अहम खबर शामिल करेंगे। मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म न करना, पुलिस पर पथराव, रूट की खिलाफ वर्जी, पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इससे कबल शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर चुकी। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। राना उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई? हमारे नुमाइंदे राना उस्मान से राबता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म ना करना, पुलिस पर पथराव, रूट की खिलाफ वर्जी, पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी है और पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। राना उस्मान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी राना उस्मान, बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से भी। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर खुद बाहर आए और उन्होंने गिरफ्तारी के देने के हवाले से अंदर कहा कि मैं बाहर गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, हमने बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की हैं लेकिन ये भी बर्दाश्त कर लेंगे और मैं बाहर जा रहा हूं। उसके बाद बैरिस्टर गौहर आए तो यहाँ पर जो पुलिस तैनात थी उस पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाजाबता तौर पर उनको यहाँ से पार्लियामेंट हाउस से ले जाया गया है। आमिर डोगर जो हैं वो बार बार पुलिस से पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन से लोग की गिरफ्तारी चाहिए, हमें बताएं और हम उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वह अंदर से ले आते हैं। तो इसी हवाले से अब बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है जराए के मुताबिक कि तकरीबन दो गिरफ्तारियां और जिसमें सरताजगुल जो कि सरताजगुल यहाँ से जो हैं वो चकमा देके निकल चुकी हैं, दूसरी तरफ उमर अयूब हैं उनको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अब भी पुलिस जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया।